अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया पवन न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में आज शाम से ही अचानक गरज चमक के साथ शदीद मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। आसमान पर काले घने बादल छा गए, जिसकी वजह से शाम से पहले ही अंधेरा छा गया और शाम 5:30 बजे से शहर के कई इलाकों में अचानक गरज और चमक के साथ शदीद बारिश शुरू हो गई। 45 मिनट की बारिश ने GHMC की पोल खोल दी। शहर के कई अनगिनत सड़कें झील में तब्दील हो गई। कई होटलों और मकानों में पानी दाखिल हो गया, जिसके सबब आवाम को काफ़ी हद तक मुश्किल का सामना करना पड़ा और सड़कों पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शहरियों को जहां बारिश से तपती गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी जानिब सड़कों पर जमा पानी और घरों में दाखिल हुए पानी ने उनकी राहत छीन ली। शहर के कुछ इलाके जैसे कारवान, ताड़ा गड्ढा में तो सड़कों पर तेज बहाव के साथ बारिश का पानी नदी का मंजर बयां कर रहा था। इस तेज बारिश में मजलिसी MLAs और कॉपरेटर्स अपने कारकुनों के हमरा आवाम की मदद करने के लिए सड़कों पर निकल आए और हालात का जायजा लेते हुए GHMC वर्कर्स को पानी की निकासी के लिए हिदायत दी। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस अहलकार भी इस शदीद बारिश में भीगते हुए 20 सड़क पर ठहर के ट्रैफिक को रास्ता दिखा रहे थे और बारिश के सबब सड़कों पर फंसे हुए लोगों की मदद कर रहे थे। शहर के इलाके दिलसुख नगर, खैरताबाद, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, मूसलाराम बाग, सरू नगर, अलकापुर, हिमायत नगर, LB नगर, कोटापेट, मलकपेट, याकुतपुरा, मल्लापल्ली, आसिफ नगर, नामपल्ली, नानल नगर, इसके अलावा दीगर कई इलाकों में शदीद बारिश देखी गई। इसके अलावा ज़राए से इत्तला मिली है कि रियासत के एक गांव कोटा गुड़म में बिजली गिरने से एक शख्स सीनू की मौत हो गई, जबकि सीनू की बीवी शोभा शदीद जख्मी हो गई, जो हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। हम आवामुन्ना से गुजारिश करते हैं कि बिना वजह घरों से बाहर ना निकले, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को टच ना करें, कच्ची दीवारों के साए में ना ठहरे, बहते पानी को उबर करने की कोशिश ना करें। खुसूसन वालदेन से गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों की हिफाजत करें, उन्हें घरों से बाहर ना छोड़े, क्योंकि पानी की निकासी के लिए मैनहोल्स ओपन कर दिए गए हैं। अपने और अपने बच्चों की जान की हिफाजत करें। आइए देखते हैं मीडिया पवन न्यूज़ की ये खसूसी रिपोर्ट में चंद मनाजिर। Very heavy rain, like a very waterfall. क्या कर रहे हैं तो क्या कर रहे भाई? हमारे घर में इतना पानी रुक गया, पूरा एक रूम में भी पानी तो पूरा निकल जा रहा है। Thank you.
जाएगा।